की बात है, एक शहर में बहुत आतंक फैला हुआ था। जगह जगह सुबह आधी खाई हुई लाश तो कहीं खून चूसी हुई लाश पाई जाती। लोग बड़े ही खफा रहते थे कि आखिर किसी की क्या दुश्मनी है जो इतनी बेरहमी से लोगों का शिकार कर रहा है। पूरा शहर खौफ के साथ जी रहा होता है। एक रात हरिया को किसी काम से गांव जाना होता है। अरे एक तो इतनी रात हो गई, अब इस समय ऑटो कहाँ मिलेगा? अरे ऑटो वाले, गांव की तरफ चलोगे क्या? हाँ बैठ, तेरे को जहाँ जाने का मैं लेके चलेंगे। हरिया उसमें बैठ जाता है। कुछ दूर चलने पे। वैसे आप गांव क्यों जा रहे हो? शहर में तो कितना अच्छा काम है। तुम बस फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी अचानक से ऑटो वाला दूर से बड़े भूत में बदल जाता है, जिसका एक सर लाशों के मांस खाता था और दूसरे सर पे बनी जीभ बहुत ताकतवर थी उसकी। बचाओ, मुझे बचाओ कोई! ये दो सर वाला भूतिया ऑटो वाला मेरी जान ले लेगा! बचाओ, मुझे कोई बचाओ! ओए, ऑटो रोक दो उस बिटे, ऑटो रोक दे! अब तेरे को कोई नहीं बचा सकता, मेरा मरना तो तय है अब। शांति से बैठा रहता तो शायद देर से मरता, पर तूने मेरे शरीर का मजाक बनाया तो अब तू जल्दी मरेगा। तभी भूतिया ऑटो वाला अपने एक सर से बड़ी सी जीभ सर के पीछे घुमा के हरिया को गर्दन पर लपेट देता है, जिसकी वजह से उसकी जान अटकने लगती है। माफ कर दो मुझे, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा तेरी सच्चाई के बारे में, बस मुझे बच दे आज। जब मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूँ तो मेरा खौफ ही क्या, मरना तो तुझे पड़ेगा। तभी अचानक ऑटो वाला एक सुनसान जगह पे ऑटो रुकता है, जोर से झटका मार के हरिया को ऑटो से बाहर फेंक देता है। हरिया भागने की कोशिश करता है, वो गिरता पड़ता कुछ कदम भागता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो! पर दूसरे के ऑटो वाला उसे ताकत से अपनी ताकतवर जीप से पकड़ता है और पीछे की तरफ खींच लेता है। मुझे जाने दो, मेरे परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे, जाने दो मुझे, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा था। अब तेरा सारा काम यही खत्म। हरिया अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाते हुए रह जाता है, पर भूतिया ऑटो वाला उसके सिर के खून को पी जाता है। मांस भी कहीं कहीं से खा लेता है, फिर अपना ऑटो लेके वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह, भाई काकू तुमने सुना, कल हरिया की बड़ी बेरहमी से मौत हो गई। समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया। अरे भाई तुम्हें नहीं पता, ये हादसा नहीं मौत है, उस दो सर वाले भूतिया ऑटो वाले की करामात है ये, उसका आतंक बहुत फैल गया है। अब तो डर लगने लगा है कि पता नहीं कब मौत आ जाए। भाई जितना संभल के रहो उतना सही, दुर्घटना से देर भली। उसी रात काकू का भाई मीकू कुछ काम से रात को घर से निकल जाता है। भाई मीकू, मेरी मानो तो अभी मत निकलो, सुबह जाना, आजकल सड़क पे सावधानी रखो। भाई मैं रुक सकता सुबह तक तो जरूर रुकता, पर मैं रुक नहीं सकता, बहुत जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, पर ध्यान रखना अपना, कहकर मीकू निकल जाता है और सड़क पे ऑटो ढूंढने लगता है। ओहो, ये काकू के चक्कर में मैं और लेट हो गया, अब कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा, आगे पैदल चल लेता हूँ, आगे चलकर ऑटो मिला तो सही। पैदल चलते चलते मीकू थक जाता है और रुक के आराम करने लगता है। तभी उसे एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। रुको रुको ऑटो वाले, ऑटो रुको। मीकू ऑटो वाले को हाथ देके रुकता है, ऑटो रुक जाता है। मीकू जल्दी में पैसे की बात ना करते हुए सीधा बैठ जाता है। भाई जल्दी ले चलो, मुझे सड़कपुर जाना है, बहुत जरूरी काम है, जल्दी से जल्दी ले चलो। ऑटो वाला ऑटो चलाना शुरू करता है। अरे भैया कहाँ से लेके जा रहे हो, वो रोड तो कहीं और जाती है ना। अरे भैया
मैं ऑटो वाला हूँ, मुझे ज्यादा पता है। आप आराम से बैठो, इस रास्ते से जल्दी पहुँचेंगे। कुछ देर बाद मिंकू को एहसास होता है कि वो एक सुनसान सड़क पर जा रहे थे जहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया, पता नहीं क्या माजरा है। तभी मिंकू देखता है कि ऑटो वाला एक भयंकर दो सिर वाले ऑटो वाले में तब्दील हो जाता है। ये देख के मिंकू डर जाता है। भैया रोक दो यहीं, यहाँ से मैं खुद चला जाऊंगा। आप क्यों तकलीफ करोगे, मैं हूँ ना आपकी सेवा में। जैसे ही ऑटो वाला भूत पीछे पलट के देखता है तो मिंकू के होश उड़ जाते हैं, मिंकू की जान तक जाती है। चलो आज तुम्हें मैं हमेशा के लिए यात्रा मुक्त कर देता हूँ। सारी तकलीफें, सारी यात्राएं आज समाप्त। कहकर दो सिर वाला भूत अपनी लंबी जेब से मिंकू की गर्दन जकड़ता है और उसे ऑटो के बाहर फेंक देता है। मत मारो मुझे, माफ कर दो। आज का शिकार पूरा होगा अब। मेरी भूख प्यास शांत कर। कहके भूत मिंकू पे हमला करने लगता है। एक मुंह से उसका मांस चबाना शुरू करता है और दूसरे मुंह से उसका खून पीने लगता है। वहीं दूसरी तरफ काकू का मन घबराने लगता है। मुझे लग रहा है जैसे मिंकू भाई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना होगा। काकू घर से निकलता है और रास्ते में पूछते पूछते मिंकू के गए रास्ते में निकल जाता है। मिंकू कहाँ हो, मिंकू कहाँ हो तुम भाई, बचाओ, कोई बचाओ, अरे बचाओ, कोई है। ये तो मिंकू की आवाज है, भाई मैं आ रहा हूँ। काकू भागता भागता मिंकू की आवाज की तरफ जाता है। अरे ये तो मिंकू है और ये दो सिर वाला भूत, अरे ये तो मिंकू की टांग ही चबा गया। अगर मैं अभी नहीं गया तो उसका सारा खून भी पी जाएगा। पर ये क्या, इतनी लंबी जीभ, ये कैसे हो सकता है। हो ना हो, इसकी ताकत इसकी जीभ ही है। अगर मैं इसकी जीभ काट दूं तो इसकी शैतानी शक्ति जरूर खत्म होगी। फिर बिना एक भी पल गवाए काकू उस भूतिया ऑटो वाले की जीभ पर वार करता है और उसकी जीभ काट देता है। अरे मर गया, मेरी जीभ काट दी। उसकी जीभ कटते ही उसके सर नष्ट होने लगते हैं और वो बहुत तड़पने लगता है। काकू मिंकू को लेकर घर आ जाता है और उसे वहीं तड़पता छोड़ देता है।